उसको सबक सिखाओ। मेरे फैंस के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, उसको सबक सिखाओ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि किसी बच्ची ने मुझे बहुत प्यारा लगा, उसने जवाब दिया है, करारा जवाब, और शायद वो मेरे इस फ़ोन में है या आई डोंट नो उस फ़ोन में है। ने जवाब दिया है इसको, यस, इसी फोन में है। मैं चाहती हूँ कि ये सुने आप। अस्सलाम वालेकुम शबनम आपा, कैसे हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? और हम लोग सब आपको बहुत याद करते हैं। इसने फेसबुक पे भी पोस्ट हाँ, किया और है। हमेशा आपकी तारीफ चलती रहती है घर पे और आपके वीडियोस तो सब देखते रहते हैं, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा सब लोग देखते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, बस आप हमेशा खुश रहना। मैं दिल से दुआ करती रहूँगी आप लोगों को कि आप हमेशा कर ये जो भी आप काम करते हैं वो करते रहें और हमेशा 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 एनी टाइम खुश रहें। और आपकी जो जो भी परेशानी है, जो भी आपकी जो मतलब हालात खराब होते रहते हैं, तो हम उसके लिए भी, आपके जो तबीयत खराब होती रहती है उसके लिए भी हम दुआ करें कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस जो अब हम लोगों के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे कुरान शरीफ के बारे में सब ऐसे बोल रहे हैं, तो अभी उन लोगों के पास तो कुछ काम हो नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब हमें बोल रहे हैं कि हमारे हमारे अल्लाह नहीं है, ऐसा है वैसे है। और मैं उन लोगों को बता दूं, हमारे इस्लाम के बारे में कभी कुछ भी ना बोलें, क्योंकि हम लोग तुम्हारे इस्लाम के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तुम लोग हिंदू धर्म के हैं तो तुम लोग तुम्हारे धर्म में रहो, तुम लोग हमारे तक क्यों आ रहे हो, हमारे मुस्लिम तक क्यों आ रहे हो? ये जो दलाल, जो भी वो सुरेश दलाल जो है ना, उसने ये फैलाई है और उसी के जो भी चमचे हैं वही ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब समझो 300-400 में ये लोग रहने वाले, जीने वाले, अभी ये लोग हमारे इस्लाम के बारे में बोल के पता नहीं ये लोग कितने पैसे कमा रहे होंगे। मैं इनको ये कह दूं कि हमारे कमेटी के बारे में रहो, हमारे इस्लाम के बारे में रहो, कभी कुछ भी ना बोलें प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये जो लंबे बाल वाली है अभी आई है, ये जो बोल रही है कि कुरान शरीफ कहाँ पे नाजिल हुई, ए एडी तुझे जवाब देना जरूरी नहीं है, हम लोग जरूरी भी नहीं समझते हैं। खास करके शबनम आपा से पूछती है ना, शबनम आपा के सामने अगर तुमको पूछना है तो डायरेक्ट जाके उनके पास बात करें। समझ में आई बात? क्या बात बोली लड़की ने। हमारे इस्लाम के बारे में बोलने वाली तो है कौन? और हाँ, तुझे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हम लोगों के पास ना इतना सारा काम पड़ा हुआ कि हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है, ना खाने की फुर्सत है, ना पीने की फुर्सत, ना सोने की फुर्सत। ठीक है, आइंदा हमारे कुरान के बारे में रहे या हमारे खुदा के बारे में रहे, कभी कुछ नहीं बोलना है। गाली देती है, अगर समझना है तो समझ जाओ, अगर नहीं समझना है। भी बहुत दी है, धमकी दी है, गाली दी है, लड़की ने बहुत कुछ बोली है। हम वो भी तरीका अपनाएंगे, आइंदा कुछ भी वीडियो बनाया ना तो मैं तेरे औकात याद दिलाऊंगी। हिंदू है तो तेरे धर्म के बारे में जानकर रहे, समझे? तेरे धर्म में कौन लिखा है, कौन बोला है कि दूसरे धर्म को गाली दो? किसी ने बोला है क्या? बड़ा है हमारे धर्म के बारे में बोला है, हमारे खुदा के बारे में बोलने वाला है? दलाल तो तेरा खुदा होगा। वैसे भी ना हम लोग ऐसे नहीं
मेरी फैन। अरे तुम लोग ना लातों के भूत हो, जो लातों से नहीं बातों बातों से नहीं बल्कि लातों से मानते हो तुम लोग। हम लोग तुम लोगों को प्यार से समझा रहे हैं तो समझ जा। आइंदा इस्लाम के बारे में रहे, कौम के बारे में रहे, हमारे पुराने पाक की शरीफ के बारे में रहे, कुछ भी बोले ना तो वहीं पे आके। और हाँ, तेरा जो वीडियो डालते हैं ना वो तुम लोगों का एड्रेस भी डालना अगर गांड में दम है तो, वरना वीडियो नहीं फोन उठाने से भी डरने का। वीडियो बड़ा जोर से डाल देते हैं कि हमारे कॉम के बारे में बोल के अगर गांड में इतनी दम है तो अपना एड्रेस प्रूफ पूरा डालो उसमें, तभी देखो तुम लोगों का जवाब हम लोग सामने आके देंगे। हमारे कुरानी पाक कहाँ पे, हमारे कुरान पाक कहाँ पे नाजिल हुई और हम लोगों को ना कुरान में क्या लिखा हुआ है, कौन सा सूरा है, ये मैं तुमको बताऊंगी। हमारे शबना बाबा भी बताएंगे तुमको। समझ में आई? बड़े आए हमारे यहाँ पे कौम के बारे में बात करने के लिए, अपनी औकात में रहे, अपनी हद में रहे। समझ में आया बात? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। गंदी नाली के कीड़े हैं तुम लोग जो हमारी कमेटी के बारे में, हमारे मुस्लिम के बारे में बोलने के लिए पैदा हो गए। कौन तुम लोगों को देता, बोलता कौन है इतना सब कुछ करने के लिए? तो इस बच्ची ने, मैंने ये कॉलर्स में से एक थी, कल के कॉलर्स में से एक थी, तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कल के संडे फंडरटेनमेंट में। उसका नाम रखा है मैंने संडे फंडरटेनमेंट। तो यस, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर इट। एंड गाइस, आई एम टेकिंग अ लीव नाउ बिकॉज इज अ ह्यूज लाइन टू गो हैड। और अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें और दुआ में याद रखें, किसी प्रॉब्लम में, किसी भी गड़बड़ में भूलना नहीं, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई एम ओनली वन कॉल अवे। दुआ में याद रखो। जय हिंद।